हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर चैनल। सब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों के लिए टॉप 6 न्यू साउथ की हिंदी डब्ड फिल्में लेकर आया हूं, जो कि फ्रेश न्यू साउथ की फिल्में हैं और ये आपको फ्रीली यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएंगी। जी हाँ, सो टॉप 6 साउथ की हिंदी डब्ड मूवी जो कि अवेलेबल हुई हैं वो भी यूट्यूब पर। तो आज का वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पूरा देखना, क्योंकि बड़ी बड़ी साउथ की हिंदी डब्ड फिल्में हैं जिनमें आपको दमदार खिलाड़ी 2, रिपब्लिक और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्में प्रोवाइड की जाने वाली हैं। टोटल फिल्में होने वाली हैं दोस्तों इस लिस्ट की 6-4 हिंदी डब्ड के अंदर यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आज की इस लिस्ट के अंदर। और दोस्तों, 2 बहुत ही बड़ी फिल्में, 1 की तो रिलीज डेट है और 1 सबटाइटल में प्रोवाइड की जाएगी आपको, और वो हिंदी में कब आएगी ये भी बताया जाएगा। तो आगे भी हमारे चैनल पर इस जैसी हर रोज़ ही वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूरी ऑन कर लें। और इस वीडियो को दोस्तों आपने डिसाइड करना है कौन सी फिल्म को देखना है या कौन सी फिल्म को स्किप करना है। तो चलिए आज के इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इन था माची दुबारा। 2020 की फिल्म है, एक्शन ड्रामा थ्रिल आपको मूवी के अंदर काफ़ी ही बेहतरीन नज़र आ जाएगा। मूवी की कास्ट की बात की जाए तो कास्ट के अंदर कल्याण राम, महरीन कौर, प्रियजदा, विनेला किशोर और भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर आपको नज़र आ जाएगी। मूवी के हिंदी टाइटल की बात की जाए तो हिंदी में मूवी को दमदार खिलाड़ी 2 नाम से डब्ड किया गया है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा पहले ये आने वाली थी लेकिन इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हुई थी, 26 को आने वाली थी, लेकिन अब रात को ये प्रीमियर होगी कलेक्शन प्लेक्स पर और 1-2 दिन में आपको आर के डुगल स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही डबिंग को करवाया है। मैं आपको बता चलूँ, इस फिल्म को IMDb पर 5.5/10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी को देख सकते हो, मूवी एक अच्छी मूवी है, लिंक नीचे प्रोवाइड होगा। बात की जाए दोस्तों नंबर 2 की तो नंबर 2 पर रिपब्लिक मूवी आती है। रिपब्लिक 2021 की मूवी है, एक्शन पॉलिटिक ड्रामा थ्रिल मूवी के अंदर काफ़ी बेहतरीन दिखाया गया है। ये एक पॉलिटिशियन पर बनाई गई फिल्म है और माइंड ब्लोइंग इस फिल्म की स्टोरी है, जो कि आपको काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो कास्ट के अंदर साई धर्म तेज, ऐश्वर्या राजेश, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन और भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट मूवी के अंदर आपको नजर आ जाएगी। मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो किया है देवा कट्टा ने। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो 8.5/10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, जो कि रेटिंग अच्छी है। मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है और ये मूवी हिंदी में अभी HQ डब्ड हरियाणा, या काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे हिंदी में प्रोवाइड कराओ, तो हिंदी में आ चुकी है, लिंक नीचे प्रोवाइड होगा, अनऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल है, जल्द से जल्द देखने कभी भी रिमूव हो सकती है। नंबर 3 की बात की जाए तो दोस्तों नंबर 3 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है काका थी यूडू। 2019 की मूवी है, रोमांस एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी के अंदर आपको काफ़ी ही बेहतरीन नज़र आ जाएगा। मूवी की दोस्तों कास्ट की बात की जाता है तो कास्ट में देखने के लिए मिले हैं तारा का रत्ना, चीपे, यामिनी और भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। मूवी के हिंदी टाइटल की बात करें तो हिंदी में मूवी को टाइटल ठाकुर सूर्या देव दिया गया है। और IMDb पर 2.3/10 की एवरेज रेटिंग मिली हुई है। मैं पहले बता रहा हूँ, एवरेज टाइप की मूवी है, अगर आपको रोमांस एक्शन वाली फिल्में देखना पसंद है तो देख सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। अल्ट्रा मूवीज़ ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवाया है और यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक नीचे प्रोवाइड होगा। बात की जाए नंबर 4 की तो नंबर 4 पर मूवी आती है अनुष्का मूवी कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी है, जो कि 2019 के अंदर रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर भी आपको हॉरर थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा, वैसे एक्शन ड्रामा थ्रिल आपको काफी ही बेहतरीन नजर आ जाएगा। मूवी के कास्ट की बात की जाए तो कास्ट के अंदर आदि लुकेश, सद्धू का किला, रूमा शर्मा और भी काफी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर भी आपको नजर आ जाएगी। मूवी के दोस्तों हिंदी टाइटल की बात की जाए तो हिंदी में मूवी का टाइटल सेम ही दिया गया है। और IMDb की बात की जाए तो IMDb पर 4.2/10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि रेटिंग भी ठीक ठाक ही है। और एक बार वॉच कर सकते हो इस फिल्म की हिंदी डबिंग यूट्यूब पर ऑफिशियली तौर पर, बिफोर यू नेटवर्क ने कम्प्लीट करवाई है और बिफोर यू मूवीज के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली ये मूवी अवेलेबल भी हो चुकी है। नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर मूवी आती हैप्पी सरदार। हैप्पी सरदार 2019 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा वाली मूवी है, लव स्टोरी कॉमेडी ड्रामा इस मूवी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एवरेज टाइप का। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इस मूवी को भी आप वॉच कर सकते हो, एक दफ़ा तो देख ही सकते हो। कास्ट की बात की जाए तो कास्ट के अंदर कालीदास, जयराम, सिद्धू और जवेद जाफरी और भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है इस मूवी के अंदर। मूवी के हिंदी टाइटल की बात की जाए तो हिंदी में मूवी को सेम टाइटल के साथ रिलीज करवाया गया था। और IMDb की बात की जाए तो रेटिंग इस फिल्म को मिली हुई है 3.3/10 की, जो कि रेटिंग आपको अच्छी नज़र आ जाएगी। मूवी की हिंदी डबिंग के बारे में बात की जाए तो दोस्तों मूवी की हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवाया है पूरी तरह से एडवाइज मूवीज़ वाले ने, और ये मूवी आपको यूट्यूब पर कल परसों तक देखने के लिए मिल जाएगी, अनऑफिशियली अभी यूट्यूब पर एक चैनल पर अवेलेबल
पहले जल्द से जल्द देखना कभी भी रिमूव हो सकती है। नंबर 6 की बात कीजिए तो नंबर 6 पर मूवी आती है मधा गाजा मूवी। जसो मधा गाजा 2021 की फिल्म है, इसी साल की रिलीज, एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली मूवी है। एक्शन थ्रिल तो इस मूवी के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग नजर आ जाएंगे। इस मूवी के कास्ट की बात की जाए तो कास्ट के अंदर रोरिंग स्टार श्री मुरली, जगपति बाबू, अशिका और भी काफ़ी दोस्तों और भी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है और विलन्स तो भरे हुए हैं मूवी के अंदर। और श्री मुरली के जो एक्शन दिखाए गए हैं हाई वोल्टेज एक्शन सीन माइंड ब्लोइंग है। और इस फिल्म को हिंदी में भी अब रिलीज करवाया जाने वाला है इसी टाइटल के साथ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 6.7/10 की रेटिंग इस मूवी को IMDb की तरफ से मिली हुई, जो कि रेटिंग अच्छी है, मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट का वर्डिक्ट हासिल कर पाई थी। और इस फिल्म की रिलीज के फौरन बाद ही इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो आरके डुगल स्टूडियो ने खरीद लिया था। जस्ट आरके डुगल स्टूडियो ने इस फिल्म की डबिंग लगभग कंप्लीट करवा ही ली है और ये मूवी भी हिंदी में बहुत जल्दी आपको आरके डुगल स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा छोटा सा वीडियो हम यहीं पर कर रहे हैं। सब मूवी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे यूजर नेम दे दूंगा, आप मैसेज कर देना, मैं मूवी आपको सेंड कर दूंगा।